बात है। बा मास्टर ओहो हो बारे जितेंद्र जय हो जय हो जय हो ओहो हो जय हो। आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा जा रही है आपके बीच में और इसलिए इस बिरहा को हमने गाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये नियम सत्य है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि ये भी हम 100% गलत है। अरे वकीलों और जजों, सभी मानव हो, पशु नहीं हो, पढ़े लिखे हो, किसको हम सत्य माने किसको असत्य माने। जो आज का फैसला है कि नहीं ये भी हम गलत नहीं हो सकती, हम उसे सही माने कि जो 8 अक्टूबर 2013 को जो फैसला आया सुब्रमण्यम स्वामी के मुकदमा में, उसमें हुआ कि एकदम बिल्कुल एबीएम की गारंटी नहीं है कि एबीएम सत्य पर आधारित है, क्योंकि जहां बटन दब रही है वोट वहां गया कि वोट कहीं गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए एबीएम पर बैन होना चाहिए। लेकिन ये नायका सुप्रीम कोर्ट कल ना कोनो गड़बड़ी नहीं हो, चला सुना लोगन का करी भैया कहल जला कि बाप पुत बजनिया माई धिया गौ नहरी, गावत भी हई जगावत भी हई आ खूब 6-6 किलो रोजगारियों खाते। तो 4 लाइन बिरहा में भूमिका है, सूत्र कह कर जिन्हें था पिछाड़ा गया, अरे पाया जाती वो खुशियां मनाने लगे, बन के ये मिले IMP कलेक्टर DM, हर फिजाओं में रुतबा जमाने लगे। फिक्र छलियों को होने लगी देश में, वोट लूटने की नीयत बनाई गई, कभी सूरज भान कहते सजग होइए, जाल साजी से ये DM ये लाई गई। कवि जी सूरजभान साकेत जी संकेत कर रहे हैं कि ऊपर मत उड़ो, सुनो ये भी हम कब आई, क्यों आई, कैसे आई, कौन लाया इसको, ए बी एम की कहानी कब गढ़ी गई। जब हमारे मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बना दिया तब इनको खलबली हो गई कि ओहो अब तो ये बहुजन समाज एक हो जाएगा, ये अपने सत्ता शासन की लड़ाई लड़ेगा और वोट तो पूरा इस देश में बहुजन का है। तब इन लोगों ने कहानी लिखना शुरू किया। यही जन मास्टर एक थे बाऊ टुकड़ा है जितेंद्र, तनी ओके पीस के आवार राजा तो तनी बा
पिंड कौनो प्रेम करवालन का कथा। विनोद भैया काहे दूसरे और मुंह मत टारा, प्रेम के नाम पर भागाला बड़ा करारा तू। सुना आई के कुछ कहत रहा जितेंद्र, झटके में मिलल कुछ कहल चल, अब तौले ओकर बतिया रोक देला। अब ओकर बतिया रोक के कहला बस बस, तुम जो कहना चाहते हो मैं जानता हूँ। का कहलस सुन लिया है सभी मैंने, सुन लिया है सभी मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, सुन लिया है मैंने, सुनाना है जो तुम्हें सुन लिया है सभी मैंने, अरे जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मुहब्बती है, अरे गैर से मुहब्बती है, अरे दर्द का बहाना है, दर्द का गैर से मुहब्बती, दर्ज बड़ी कायदे गबाउ तनी एक पर्दा आगे बढ़ाता। एबीएम के जादू ने, एबीएम के जादू ने रंग को जमाया है, रंग को तूने एबीएम के जादू अरे रंग को जमाया है, बहुजनों के दामन में, अरे बहुजनों के दामन में आग को लगाया है, आग को लगाया है, एबीएम के जादू ने रंग को जमाया है, बहुजनों के दामन में आग ये लगाया है। बहुत बहुत आदर करता हूँ परम आदरी परम सम्मानित हमारे कवि जी जो गुरु समान आदरी आप श्री सूर्यभान साकेत जी, जिनकी लिखी हुई बहुत सारी गीतों को मैंने गाया और हमने अपील किया कि कवि जी कम से कम हमारे स्टूडियो तक आइए, आए भी सम्मान भी किए, और इनकी रचना मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। और पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे विचारक अगर भारत में बहुजन समाज में हैं तब बहुजन समाज की विचारधारा विस्तार पूर्वक हम लोग कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत आदर करता हूं। लिखते हैं कवि जी ये बहुजनों को बर्बाद किया एबीएम, और एबीएम की कहानी लिखी गई 84 में। क्यों लिखी गई? जब साहब कांसीराम ने बहुजन समाज बना दिया तो कहे कि अब इनकी वोट की डकैती करना पड़ेगा, अन्यथा ये वोट देने वाले नहीं है। सैर की लाइन में कहना मास्टर, ये भी हम क्यों आई ये देश में इतिहास जानिए, हो रहा लोकतंत्र का अब विनाश जानिए,
कहानी 1931 से शुरुआत कर रहा हूँ। बाबा ये भीमराव की मैं बात कर रहा हूँ। गोलमेज सभा लंदन में हुई, बाबा जी जब आए। ध्यान रहे मास्टर, खाली संगत बनौले रहिया। गोलमेज सभा लंदन में हुई, अरे बाबा जी हैं आए। और मदाय अधिकार वाली बात को उठाए, किए विरोध गांधी लेकिन फेल हो गए। लिखे संविधान अंबेडकर काफी खेल हो गए। देकर आरक्षण बहुजन को हकबंदी कर दिए। राजा देने वाली रानी की, अरे राजा देने वाली रानी की नसबंदी कर दिए। बाबा साहब अंबेडकर लड़े हमारे लिए। जब 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि इस देश में 85 मूल निवासी बहुजन को वोट का अधिकार चाहिए। गांधी जी कहे कि इस देश में यही चमार कहार कुहार माजी मल्ला अने बहुजन को आप वोट का अधिकार देना चाहते हो तो हमें भारत में ऐसी आजादी की जरूरत नहीं है। गांधी को बापू कहने वाले और ब्रह्मा विष्णु महेश पर अपने भविष्य को टिकाने वाले। सुनो, किसके बल पर एमपी एमएलए विधायक एमपी प्रधान प्रमुख बने हो? ध्यान से भेजा खोल करके बिरहा सुन लेना। अरे राजतंत्र वाला सब संसार हिल गया, अरे बहुजन को वोट देने का अधिकार मिल गया। भारत से राजतंत्र खत्म, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी शुरू हो गई। और तब इनके पेट में मड़ोरा शुरू हो गया कि अब तो भारत से राजशाही खत्म, लोकतंत्र डेमोक्रेसी और जमहूरियत आ गई। अब राजा रानी की पेट से नहीं पैदा होगा बल्कि राजा मत पेटी से पैदा होगा और वोट से पैदा होगा। तब मास्टर एजेंट गीत बदल गई। ये देखा इलाहाबादी गीत है बाऊ का हो कि सुना है न बेल तुहारे खोई छवा में भेल, तनी मंगनिया देदा तनी मंगनिया देदा, हमके जन जाना पुरनिया तनी मंगनिया देदा ना। लेकिन हाई गाना रात दिन तारत रहे जे करिया पमनवा, हथवा चोरी चोरी ना, हथवा चोरी चोरी ना, मांग लगला मत दनवा, हथवा चोरी चोरी ना, मांग लगला मत दनवा। परछाई से डर लगती थी, रास्ते में जब चलते थे तो रास्ता भी अछूत हो जाती थी, कमर में झाड़ू बांध दिए। लेकिन धन्य हो बाबा साहब अंबेडकर, भारत को ऐसी जमहूरियत दिया आपने कि जो बार बार अपमान करते थे अछूत के नाम पर, सूत्र के नाम पर, अब वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि भैया हम हूं आप के गाँव को। अब परछाई से डर खत्म हुई। और ये डर क्यों खत्म हुई?
ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नारद दुर्गा काली से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म किया। इसलिए कह रहा हूँ विराज सुनने वाले साथी, ये आवाज की तरफ ढेर मत जाइया, ये बदे 26 दिन लगातार कार्यक्रम करके अब फिर 5 से अम्बेडकर पूजा शुरू हो। आवाज तो सही ना हो लेकिन फिलहाल बात लोगन समझत जाइया। ये गाना में बहुत स्वाद ना मिली लेकिन बात में तगड़ा स्वाद मिली। कहना हो का हो, अरे भीम जी लगा के गई ना ये सन ही कमतिया, सबई के वो दवा का ये कही कीमतिया, अनपढ़ गंवार चाहे ऊंचा खंडनवा, हथवा चोरी चोरी ना, हथवा चोरी चोरी ना, देख मांग मत दनवा, हथवा चोरी चोरी चाहे ऊंचा हो नीचा हो, जूता बनाने वाला हो या सोना बेचने वाला हो, चाहे देश का पीएम हो चाहे देश का प्रधान हो, सबके वोट की कीमत एक हो गई और पूरे भारत में समानतावादी संविधान लागू हो गया। और यह इनके पेट में मड़ोरा का कारण बन गया कि अभी समाज चलाक हो गई। ये समाज पढ़ी लिखी, ये समाज अब सत्ता और शासन की बात करेगा। तो कहना है अंतरा की लाइन में दूसरी लाइन है, काफी दिन सत्ता में रहल कांग्रेस, अरे बहुजन का हक नहीं दिया कुछ विशेष हो, होटल के सूत्रन का कई मनवा, हथवा चोरी चोरी ना, हथवा चोरी चोरी ना, देख मांग मत दनवा, हथवा चोरी चोरी ना, सत्ता में आजादी में सबसे पहले कांग्रेस आ गई। यह दादा परदादा, दादा परदादा यही सत्ता में बनने लगे, बहुजन को लालीपाप दिखाते रहे लेकिन कभी बहुजन के हक और अधिकार का काम इन लोगों ने नहीं किया। ये बिरहा जो मेरी है किसी दल किसी बिरादरी किसी धर्म के न खिलाफ है न उसके सम्मान में है, ये संवैधानिक बिरहा है जो रियलिटी है जो सत्य है, क्योंकि मैं किसी की दलाली करता नहीं। तब मास्टर एक थे यही जन गीत लगल बाबू, बस बस उतना बहुत था। कौनो प्रेमी प्रेमिकी के कहत हो, हाँ कौनो मनई मेहरारू के कहत हो, शुद्ध भाषा भोजपुरी में, कुल हिंदी है तनी हिंदिया कम हमार कमजोर मनावत है, वह कहत हो अरे गोरी तोरी कि गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो, अरे गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो, पूरा लंदन हिलावे वनिया हो, पूरा लंदन जो इत गाना का लाइन है लेकिन है विरह का अस्थाई भाव है बाबू। इंदिरा कर रहल ससनावा हो, इंदिरा कर रहल ससनावा हो, सनयती में भैया में भैया इंदिरा कर,
1980 में कांग्रेस बहुमत में आई, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। बहरहाल मैं पीछे टिप्पणी पर नहीं जा रहा हूँ, मैं जो मेरी रियलिटी फ्रंट है इसको सुनिए। जब 80 में इंदिरा जी आती हैं तो कैसे आई नहीं, चारों ओर इंदिरा का नाम रहल गूंजती, देवी समाज मूल निवासी रहल पूजती, सारा कांग्रेसी वा तनवा हो समय सी के पहले, चारों तरफ कांग्रेस का जय जयकार हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी का बचपना था, अभी बकैया खींच रही थी। ए मास्टर सुना, ये कुल कहला कि बड़ा लण बहेर गायक हूँ, सुना इन लोगन का हम पूरा इतिहास खोलत है। ये बदे की गा के बजा के रुपया कमा के लोगों को बेवकूफ बना लेना आसान है, लेकिन समाज में सत्य कहना सबसे कठिन है। यही जन गीत बदल गई ले बाबू जितेंद्र, कोनो समझदार लड़का फैशन ही लड़की के समझाओ था कि बच्ची अबैन उम्र का लिहाज रखा का कहलस, अरे या बहन उमारी आप का छोटी कोरिया, अरे छोटी कोरिया काहे रंगले बाड़ू लाल लाल मोटी कोरिया, यो यो काहे रंगले बाड़ू लाल लाल एक तरफ कांग्रेस पूरा कांग्रेस में भारत था, और उसी समय एक सूर्य का उदय हुआ, चारों तरफ एक बड़ी चर्चा शुरू हुई। कौन सा सूर्य उगा, कांसी राम का चर्चा, अरे कांसी राम का चर्चा सुनाए लगले, अरे सुनाए लगल निकल बदरी से सूरज जगमगाए लगल, कांसी राम साहब निकले नौकरी छोड़े, घर द्वार परिवार का प्रत्याग किया, माता पिता का प्रत्याग करते हुए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के त्याग बलिदान को महत्व देते हुए निकले, और इसके बाद उन्होंने बाम से बनाया, उसके बाद DS-4 बनाए, और फिर मान्यवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज बना दिया, और बहुजन समाज की शब्दावली समाज को समझा दिया। बहुजन का मतलब भारत के बहुसंख्यक लोगों को बहुजन कहा गया, और भारत के बहुसंख्यक लोगों को 6,500 जातियों में बांट दिया गया, ताकि ये समाज जातियों में लड़ता रहे, कभी सत्ता सम्मान स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई न लड़ पाए। तो इसलिए लाइन कह रही है, कांसी राम के चर्चा सुनाए लगले,
सुनाए लगल हो निकलल बदरी से सूरज जगमगाए लगल साहब घूम घूम के समझाने लगे। क्या समझाते हैं? एससी एसटी ओबीसी को चेत में लिया मैं, जय भीम का नारा देखा खूब लगवा मैं, अरे आई गई ले निकरल बदरी से सूरजी जगमगाई गई ले। 84 में जब 14 अप्रैल आया तो साहब ने एक मीटिंग किया और क्या कहते हैं, अरे बहुजन समाज पार्टी साहब बनाए, गुलशन कांग्रेसी देखा मुरी झाए, कांग्रेसी देखा बतियावल लगल हो निकरल बदरी से सूरजी, कांग्रेसी बतियावे लगला घूम घूम बतियावे लगला कुल कहला कि तब बड़ा गजब हो गया। का हो गया? इतक कांसीराम पंजाब से निकलने महाराष्ट्र के पूना से नौकरी छोड़ने आई बहुजन समाज बनाई के अब तई 6,500 जात वालन के गोलियावत हुए। ये 6,500 जात वाले गोलिया जी हैं, ओकरे बाद मुसलमान गोलिया जी हैं, तो यहाँ फिर 15% तब बंडा पर मूर भी ना चढ़ाव पाई, सत्ता तो दूर हो। तब गीत बदल ये थे दोहा बाबू, अरे नीला झंडा हाथी ले कर, अरे निकले कांसीरा, अरे जागो मूल निवासी बहुजन नारा दिए तमाम, तमाम नारा मान्यवर कांसीराम साहब दिए हैं। एक नारा था अब ना 85 धोखा खाओ, देश में अपनी सत्ता लाओ, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, रोजी रोटी दे ना सके जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बहुत सारे नारा मान्यवर कांसीराम साहब दिए, उसी में कहे जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी नारा को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आगे बढ़ाते हुए कहे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, इस देश की 90% के हर अधिकार पर हमारी भागीदारी है, लेकिन हम 10% में भी नहीं है। तो यही जन गीत बदल, अरे पिया पिया रटते, अरे पियर भैली दहिया हे सखिया, अरे हे सखिया, अरे पिया मतलबवा कयार प्यार ले भागल रे सखिया, गाने का भाव है, अरे पिछड़े ना जान पाए यही नरवा का भेदवा
अरे जान गईले सब ही मुतैया खोजले उपैया ये भैया, खोजले उपैया ये भैया। अरे 6000 से ज्यादा बाटी सुधरन के जतिया, जवने दिन जान जई है वोट के कीमतिया। अरे मान के विदेशी हमके वोटो नहीं दी है, डूब जाई धरावा में नैया खोजल उपैया ये भैया, उपैया ये भैया। ये चर्चा होने लगी कि जिस दिन इस नारे को बहुजन समाज जान गया, जिस दिन बहुजन समाज ये जान गया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हमारा वोट है और राज ये लेकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वोट की कीमत जिस दिन बहुजन जान गया उस दिन फिर हमारा रहतब नहीं है। लेकिन इधर मान्यवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज बना दिया, अब घबरा गए। और घबरा गए करते हैं क्या, अरे देशवा में वोट भले सूत्रों की ज्यादा, ब्राह्मण का राज चाहिए अपन पाई राधा, अरे वो टवा के लूट पाई अरे कवनो जतनवा हे भैया, बाजी तब घर में सहनैया खोजल उपैया ये भैया, अये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब जी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता और पिछड़े समाज के जो दलाल हैं, उनको कहना चाहता हूं कि सुनो कि एबीएम की कहानी कब और कैसे लिखी गई। और तुम कह रहे हो कि एबीएम में गड़बड़ी नहीं है, पूरा देश मान गया, लेकिन तुम लोगों के समझ में अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि जब संविधान चला जाएगा, जब लात जूता खाओगे, सारे अधिकार से वंचित कर दिए जाओगे, तब समझ में मेरी बात आएगी। ता यही जन गीत बदल गई ले बाबू जितेंद्र, गाल बजावा हुकुम चलावा ये बस बस। लेकिन हाई गाना का ओरिजिनल लाइन सुना, इंदिरा जी एक इंदिरा बील बनाती है और का बनौली, इंदिरा बीलक पेश कैली एबीएम करनावा हे भैया, इंदिरा बिल के पेश कैली एबीएम के करनावा हे भैया, अटल दिहल समर्थनावा हे भैया, अटल अब सुन लीजिए। माता इंदिरा जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी मिल करके एबीएम का इतिहास लिखना शुरू किए और इसके समर्थन में कौन कौन आया, और ये पूरी रणनीति जो बन रही है केवल बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए बन रही है।
जितनी भी बड़े सम्मानित नेता हैं सबको बता रहा हूँ, माड़ी वाला कुर्ता पहनने से भारत को नहीं बचा पाओगे। भारत को बचाने के लिए पहले भारत के इतिहास को जानना पड़ेगा। भाग पाया माल भी समर्थन जाता वाले, भाजपा मने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माले का मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सारे देश के जितनी राजनीतिक संगठन सारे संगठनों का नेतृत्व इस देश का ब्राह्मण कर रहा है और सारे लोग गोलिया गए। किसी भी हालत में बहुजन समाज के वोट को अब हथियाना पड़ेगा। अबे वोट देने वाले नहीं है, सुनो कि ये भी हम कैसे आई। भाग पाया मालो भी सहमत जाता वाले, बहुजन का वोट लूटा कैले जता नवाई भैया, या अटल दी हमें समर्थनवा ए भैया, अटल दी हमें समर्थनवा ए भैया, अटल दी हमें समर्थनवा। हमारे नेता माननीय बावन मिश्राम साहब बार बार कहते हैं कि एक सांप नाक है तो एक नागनाथ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये भी हम लाने में दो बार वो बेईमानी करके दिल्ली पर राज किया और दो बार ये बेईमानी करके दिल्ली पर राज कर रहा है और इस बार सब पूर्ण रूप से भारत से डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान बना लिए। फिर लाइन हमारी बता रही है क्या है, बावन में सराम जी बतावला कहानी, जंखे भाजपा नहीं मिल पसनवाए भैया, झंखे भाजपा नहीं सनवाए भैया, या अटल दी हमें समर्थनवा ए भैया। ये क्यों मुड़ी नीचे करके पैर ऊपर करके नाच रहे हैं कि ना 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 ना, एबीएम ना हटैया, एबीएम अगर हट जाई तो देश में अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाई, एबीएम से ही वोट होवे के चाहिए। इसलिए कि एबीएम को 20 साल 35 साल से लगभग ये सब लाते लाते सन 2004 में 2009 में दुई दाई माल खींचला, 2014 2019 में काका खींचत हम। अब बीमारी लगत है कि अब एबीएम हट जाई तो हमान बर्बाद हो जाए जाई। अब सुना है तेरी का भाव, अरे वोटों की हेरा फेरी हो रही, व्याकुल बीजेपी है छाई निशाया धेरी, छाई बीजेपी अब छाई निशा अंधेरी। कलंकी तो जितना वकील मिल के आंदोलन करत हुआ एबीएम हट जाई तो हम जायल कहाँ जाई। एक तो इतना 10 साल में ही घोट के बैठ गए हमें कि जब कुल हिसाब हुई तो जेल के पीछे जेल के पहले इनकर कहीं जगह भी ना भारत में बची। आखिरी गीत है बाबू, यह तरज है सैया गईला कमाए लुधियाना।
मैया कैला मेहरारू चिट्ठी लिखलस मन से धोके कि तुहरे चुरकी में काजर पार के छोड़बो। तू लुधियाना गेल हुआ कमाए आई सुना घर में उमड़ल बारो हाँ घर में उभरल बारो दहाई पूरा लेकिन गाने का आखिरी भाव है क्या हो जिबियल नरसिम्हाई साहब नेता भाजपाई लिख के किताब दिहल शोर मचाई सवा में जल्दी हम निकाल रथिया कहल कहल के सवा में जल्दी हम जब पता चलल तो आडवाणी जी कहे कि अब इस देश में रथ निकलेगी कांग्रेस के खिलाफ एबीएम हटाओ एबीएम पर बैन करो। तुरंत पंचायत बैठ गई कहां नागपुर में अरे भैया कहे ऐसा करत बा एबीएम का भंडा फूट जाये तो हमार सरकार अनलीगल हो जाये कलत गलत कैला तू तो कलत माला की जो उन कहा कलत भैया दूध आई तू रहला तो हम हनो के अवसर दा कल कोनो बात न दूध आई हम रही तो 2014 में तू हो जा कल कैसे हो जा कल इलेक्शन कमीशन हमार हो मीडिया हमारी हो सत्ता शासन कुल हमार हो जैसे हम भैली वैसे तुम के कह दे तो कहल कि भैया ये बराबरी का हिस्सा ना लगत हो तू दू दाई या हम एक दाई तो कहल तो कोनो बात ना है आप भी दू दाई हो जाओ 19 में भी हो जा। अब जो चनगा मछली नहीं कुदत हुए इनको पता नहीं है कि ये कोबरा है ये डस लेंगे ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। आई सोचत हूँ कि पूरा देश अब लड़बक क्यों के कुछ पता ना है इतिहास के बारे में सुना 2014 के चुनाव कब के तरफ चली लेकिन और काका का कहला है कहला ए भारत का गरीब लोगन हमके वोट देबा तो 15-15 लाख मिली और ए भारत के बेरोजगारों नौजवानों हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी और महंगाई को आसमान से लाके धरती पर रख दूंगा ये वादा कहीं ना जनता गनगनाए गई। हालांकि वो जाना तो ना कि कुछ करे कि हमने के है ना मामला तो भीतर से तैयार है ये भी हम जिताई लेकिन ऐसा बहाना इन लोगों ने फेंका कि समाज ये जनता ये बहुजन के लोग रुपए के लिए वोट कन्वर्ट कर दिए।
भाजपा को। ये हवा तैयार की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मित्रों। हवा इनका 15 लाख कुछ नहीं कर पाया, केवल इनकी जो भी किया 14 से और अब तक केवल एबीएम कर रही है, तो लाइन कर रही है। अरे तानाशाही शासक पाके जनता भइल नाराज हो, उन्नीस में मोदी फिर से जीते समझ न आया राज हो। अरे हारे नेता काफी वीर बहादुर पंका संका भारी बा, मोदी जी का बजट पर देखा डंका संका भारी बा। आज 3% वाले घूम घूम कहत हुआ कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी मिला ही नहीं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री कहने वाले देश में अब तक सबसे नीचे डीपीसी अगर आई, देश में सबसे बड़ा कर्जा हुआ तो केवल इस लोकप्रिय प्रधानमंत्री की वजह से। 59 लाख करोड़ से आज भारत 1,65,000 करोड़ के कर्जे में चला गया, सब कुछ डूब बिक गया है, कुछ बचा नहीं है। अब चूंकि हमें दुख है कि हम मेहनत कस लोग हैं, हम चढ़ावा खाने वाले नहीं है। आल्हा की लाइन हमारी संकेत कर रही है। की होतबा पिरोधया देश के भीतरिया भैया, एबीएम हटाओ वाला सोरबा सुना, गाया लोकतंत्र सारा दुखी संविधानवा भैया। और जी लगाव लोग कोटवई में जा, सराम फूके बावन में सराम प्रूफी कोटावा में दी हला बाबू, करते विरोध का भी पीड़िए चुटा या खाए कटू पर रहली तेरे का समैया भैया। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले पतिए सुना, पारदर्शी एबीएम से होई ना चुनौआ बाबू, निष्पक्ष वाली जगह ना देखा, सीसी नहीं मानत बाटे केहू का कहनावा भैया। बाटे निष्पक्ष सारी हमारी मसी, सीसी माने इलेक्शन कमीशन करा कि हमारी सारी मशीनें निष्पक्ष हैं। 8-8 हजार 10-10 हजार बासी बाकी वो ठेल देती है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बस सवाल मेरा एक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सिर्फ आप हमें बताओ कि 2013 में 8 अक्टूबर को जो फैसला आया कि एबीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, तो या तो जजो गलत था और नहीं आप कह रहे हो कि एबीएम में गड़बड़ी नहीं है। हम किसको सही माने श्रीमान जी, थोड़ा सर्वोच्च न्यायालय के जितने जज हैं सारे जजों से हमारा सवाल है कि हम किसको गलत माने, आपको माने कि 2013 के फैसला को सही माने। लाइन है हमारी सदर आला में।
अरे 28 दल विपक्ष कैले गोलबंदी, अरे मिलने की टाइम मांगे हो के आई, लेकिन चुनाव अफसर नहीं दी हल समय। अरे विनती पवन के चिंता नया की, अरे भानु प्रताप सिंह मामूदी परीक्षा, सीनियर वकील, अरे सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट चाही, अरे अनशन प्रदर्शन रोज करत बाट मीतावा, अरे बैलेट पेपर फेंको लाओ ये भी अम्मासी, अरे बैलेट पेपर लाओ फेंको ये भी अम्मासी, जनावा से मार गाली मिला लिखा बारी। अरे भानु प्रताप आंदोलन रोक दो अन्यथा जान से गंवाना पड़ेगा तुम्हें, तो जान से मारने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारत की भूमि है, ये बहुजन मूल निवासी की धरती है, हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, जो इच्छा हो कर लेना। अरे जनावा से मारा वाली मिलत बाटी धमाकी, गिर के बालू रे तवा में तड़फे मस्ती, अरे ये पीएम को सही केवल कहते भाजी पाई, उनके बदले बाटे नहीं मलिका हसी। भारत के 70% लोग कह दिए कि एबीएम हटा दो, लेकिन एबीएम हटाने के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? आखिरी लाइन है, अरे 400 के पार सीट कंचित पई है मोदी जी, हिंदू राष्ट्र भारत देश के बनी है मोदी जी, चाप के पिछड़न में जो दलाल पावत हो नहीं के ये समय टिकट बांटत हो। और सुन लो पिछड़े समाज के लोगों, जाओ एमपी बन जाओ, लेकिन इस बार बहुमत में अगर आ गए तो पूर्ण रूप से संविधान हट जाएगा, और इसके बाद में दूध में गिरी मक्खी की तरह तुम्हें निकाल कर झटक दिया जाएगा। इनका प्रथम लक्ष्य है किसी भी हालत में पूर्ण बहुमत से इस बार बना करके भारत को हटा करके यहां हिंदू राष्ट्र बना दो, सब ठंडे हो जाएंगे। अरे फिर ना चुनाव होई देश में दोबारा, अरे यादो या कलेश भैया कई लाई सारा, अरे लिखा भीम का संविधान हटाई है मोदी जी, हिंदू राष्ट्र भारत देश के बनाई है मोदी जी, इसलिए कह रहा हूं सजग हो जाओ जान जाओ, ये आखिरी समय है। अरे बुद्ध साहू भूले ललई जय हो कांसी राम, राम पलट की कलम है लिखती अंबेडकर का पैगाम हो, अरे वोटों की हेरा फेरी हो रही, अरे वोटों की हेरा फेरी हो रही, और राजकुमार सूरजभान ना करिया अब की देरी, वोटों की हेरा फेरी हो रही, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं।